सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बनाना बताएंगे फॉर 10 ईयर बेबी के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है जो है 2 मीटर, और उसी के साथ टॉप पार्ट के लिए मैंने वेलवेट फैब्रिक लिया है वो है 1/2 मीटर, और पैटर्न के लिए वाइट और पिंक फैब्रिक लिया है। वाइट फैब्रिक हमने 1 मीटर लिया है और प्रिंट फैब्रिक हमने 1/2 से भी थोड़ा कम फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने इस तरह के 2 लेयर लिए हैं। इसे हम 2 फोल्ड करेंगे। दोनों लेयर को हम इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर की ब्रॉडनेस लेंगे। हमने यहाँ पे लिया है 5 इंचेस, मार्क कर लेंगे, और यहाँ से नीचे की तरफ आर्म होल की लेंथ लेंगे 5 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब चेस्ट की विथ हम लेंगे 8.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। टॉप पार्ट की लेंथ हम लेंगे 10 इंचेस। और कमर की विथ हम लेंगे 8 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब इसी नाप के लाइनिंग भी हम कट करेंगे। फ्रंट पार्ट को हमने 2 फोल्ड किया है। इसके आर्म होल में राउंड शेप देते हुए कट करेंगे। तो ये हुआ हमारा फ्रंट का पार्ट। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह सिंगल बिछाया है। अब दोनों तरफ की बॉर्डर को मिलाते हुए हम 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। इस तरफ है आउटसाइड और इस तरफ फोल्डिंग साइड। आउटसाइड से फोल्डिंग साइड की तरफ हमें फैब्रिक को टर्न करना है और ट्रायंगल शेप बनाना है। तो इस तरह ट्रायंगल शेप हमने बना लिया है। अब ऊपर की तरफ हम कमर की ब्रॉडनेस लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे टॉप पार्ट लिया है। टॉप पार्ट को इस तरह 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ पे फोल्डिंग बोल्डर की तरफ रखना है। यहाँ पे इतना फैब्रिक हम एक्स्ट्रा लेंगे। 3 इंच जितना फैब्रिक हम यहाँ पे कमर की ब्रॉडनेस के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। बॉटम पार्ट की लेंथ हमने ली है 20 इंचेस। इस तरह राउंड शेप में हमें 20 इंचेस मार्क करते जाना है। मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। कट हो जाने के बाद इसे इस तरह ओपन करेंगे और 1 साइड फोल्डिंग ही इसे कट करेंगे। तो इस तरह फ्रंट और बैक के लिए दोनों लेयर हमने कट कर लिए हैं।
अब टॉप पार्ट हमने लिया है, इसके राइट साइड हमें लाइनिंग फैब्रिक को रखना है। दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाना है, इस तरह मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अच्छे से मिला के आर्म होल से लेके शोल्डर और दोनों पार्ट में इसी तरह हमें सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट में हमने आर्म होल और शोल्डर में सिलाई लगा दी है। अब आर्म होल में हम हल्के हल्के नोचेस लगा देंगे। अब इसे हम राइट साइड टर्न करेंगे, इस तरह दोनों पार्ट को हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे फ्रंट का पार्ट लिया है, इसके आर्म होल के बॉर्डर पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। तो स्ट्रिप हमने ये इस तरह के लिए है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच, और यह स्ट्रिप हमने क्रॉस में काटी है। इस तरह फोल्ड करके आर्म होल से लेके दूसरे आर्म होल तक हमें इसे अटैच करना है। तो इस तरह बॉर्डर पे हमने स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब टॉप पार्ट के सेंटर में हम मार्क करेंगे। इस तरफ से 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे दोनों तरफ। अब तीनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पे भी हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इस तरह हमने 1.5 इंच की स्ट्रिप ली है, इसे इस लाइन पे अटैच करेंगे। तब फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया है और बैक पार्ट को भी। अब यहाँ पे मैंने इस तरह के वाइट 2 स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 6 इंचेस और लेंथ हमने लिया है 28 इंचेस। इस स्ट्रिप की नीचे के बॉर्डर पे बारीक इस तरह टू फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और ऊपर की बॉर्डर को 1/2 इंच जितना फैब्रिक को इस तरह रॉन्ग साइड टर्न करना है और इतनी स्ट्रिप बनाते हुए हमें सिलाई लगानी है ताकि हमें यहाँ पे इलास्टिक पास कर सके। तो दोनों स्ट्रिप में हमने सिलाई लगा दी है। अब ऊपर की बॉर्डर पे हमें इलास्टिक पास करनी है, इस तरह की 2 इलास्टिक स्ट्रिप हमने ली है जिसकी लेंथ हमने लिया है 6 इंचेस। इसे सेफ्टी पिन से पिनअप कर लेंगे और यहाँ से हमें पास करना है। इस तरह इलास्टिक को पास करके दोनों तरफ हमें सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है इस इलास्टिक को। इस तरह दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी स्ट्रिप पे भी हमें इलास्टिक को पास कर लिया है और इस तरह का रफल हमने बनाया है। अब इस रफल को दोनों टॉप पार्ट के शोल्डर पे अटैच करेंगे। आर्म होल के साइड से हमें इसे अटैच करना है यहाँ पे। इस तरह दोनों तरफ हमें इस रफल को अटैच कर लेना है।
इस तरह दोनों तरफ हमने शोल्डर पे रफल अटैच कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट के ये बॉर्डर की चौड़ाई ज़्यादा है तो हमें इस तरह प्लीट्स बनानी है। प्लीट्स बना के टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे फ्रंट और बैक पार्ट में। तो इस तरह मैंने टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट का और बैक का पार्ट को मिलाते हुए हम फिटिंग की ड्रॉ करेंगे। दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे। और दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा दी है। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह हमने इस फ्रॉक को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब फ्रॉक के नीचे के बॉर्डर पे हमें रफल अटैच करना है, इसलिए हमने इस तरह 2 स्ट्रिप ली है जिसकी लेंथ 7 इंचेस लिया है और इसकी लेंथ 4 इंचेस। दोनों स्ट्रिप के नीचे के बॉर्डर पे हमने सिलाई लगा दी है। अब दोनों स्ट्रिप को अच्छे से मिलाएंगे। दोनों स्ट्रिप की लेंथ हमने 5 मीटर लिया है। इस तरह दोनों स्ट्रिप को मिलाते हुए हमें ऊपर की बॉर्डर पे बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। अब यहाँ से एक धागे को अलग करेंगे। और इस तरह हम धागे को खींच के इस तरह की गैदरिंग हम बनाएंगे पूरी लेंथ में। तो हमने इस तरह की गैदरिंग बना ली है। अब इसे हम फ्रॉक के नीचे के बॉर्डर पे अटैच करेंगे। ये एक फ्रॉक का बॉर्डर है, इसके ऊपर हम इस रफल को इस तरह उल्टा रखेंगे। और पूरे राउंड शेप में हमें इस रफल को अटैच करना है। तो ये देखिए हमने यह फ्रॉक रेडी कर लिया है। यहाँ पे बो बना के अटैच किया है और नीचे भी हमने इस तरह का रफल पूरे राउंड में अटैच किया है और बो से डेकोरेट किया है। तो इसी के साथ यह डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।